हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमारा हरे कृष्णा महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 श्लोक नंबर 5। नहि कश्चित् शममपि जातु तिष्ठतय क्रमकृत कार्यते हर्वश कर्म सर्व प्रकृति जे गुणो। मेरे साथ बोलना ठीक है। नहि कश्चित् कश्चित् शनमपि शनमपि जातु जातु तिष्ठतया कर्मकृत कार्यते कार्यते हर्वशः कर्म सर्वः प्रकृति जे गुणो। कितना बढ़िया बोला। तो इसको भी हम हिंदी में पढ़ेंगे ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ठीक है, अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ठीक है। इसका तात्पर्य है, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। तो ये जो है शरीर, ये क्या है, ये एक बॉडी है ना, ये हमारा क्या है, एक बॉडी है ठीक है। तो ये देहधारी एक बॉडी है, ये उसका प्रश्न नहीं है। तो ये किसका प्रश्न है देखो, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। तो ये बॉडी है, तो हम बॉडी है या फिर आत्मा है, आत्मा, हम आत्मा है। आत्मा क्या होता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक के बैठा रहे, वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, वो हमेशा मतलब चलता फिरता रहता है। आत्मा चलता फिरता रहता है, तो आत्मा चलता फिरता रहता है, आत्मा मतलब एक्टिव है, इसीलिए ये बॉडी भी एक्टिव है। हम जो यहाँ से मानो चल के बाहर जाए, बाहर से फिर अंदर आए, हम देख रहे बॉडी जा रहा है, बट इस बॉडी को कौन लेके जा रहा है, आत्मा, आत्मा ही लेके जा रहा है ना इस बॉडी को। अदरवाइज ये बॉडी तो एकदम पूरा मतलब एक पत्थर जैसा है, हिल भी नहीं सकता आत्मा के बिना, सही ना। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा नहीं है बॉडी में तो ये बॉडी हिल भी नहीं सकता। जैसे कि जब कोई मर जाता है तो वो बॉडी हिलता है क्या, नहीं। तो वो तो एकदम मानो कोई मर गया, उसको हम ऐसे लेटा के रख दे, वो हमेशा लेटा ही रहेगा, उसे हम कंधे में उठा के फिर मतलब लेके जाते हैं ना शमशान। तो वो क्या, उसके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा ही नहीं है, इसलिए वो बॉडी अभी मूव ही नहीं कर सकता, वो बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई रहेगी, वो हिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके देह से बॉडी से आत्मा जा चुकी है, ठीक है ना। ये शरीर मित वाहन के समान है, इसलिए ये शरीर किसके साथ तुलना किया है, मित वाहन, एक वाहन लाइक व्हीकल, जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में मानो इंजन ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। वैसे ही एक बॉडी में आत्मा है, इसलिए बॉडी मूव कर सकता है, अदरवाइज ये बॉडी डेड है, ठीक है। जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी कि सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। तो ये बॉडी के अंदर आत्मा है जो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए ये बॉडी भी साथ में चलता रहता है, अदरवाइज ये बॉडी मतलब कहीं पे रुक जाए तो वो लाइक रुका ही रहेगा, वो हिलेगा भी नहीं अगर आत्मा नहीं है तो, ठीक है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो इसलिए क्या कहा है कि जो हमारा आत्मा है, आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म के कार्य में लगाना चाहिए, मतलब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, इससे क्या होगा, आत्मा शुद्ध होता रहेगा। अदरवाइज अगर हम
वो सब ना करे, कृष्ण भावनामृत में ना लगे, तो हमें क्या होगा, ये जो संसार है, ये संसार किससे भरा हुआ है, माया से भरा हुआ है। माया मतलब क्या, सपोज तुम कहीं बाहर चले जाओ, कुछ तुम अच्छा देख लो, लाइक तुमने कहा तुम एनिमल मूवी देख के आए, ठीक है, तो जब तुमने एनिमल मूवी देखा तुम्हें अच्छा लगा, अब तुम्हें और अच्छा लगेगा कि हाँ उस एक्टर का अगर कोई दूसरा मूवी आए तो मैं वो भी देखूंगा, क्योंकि वो एक मूवी अच्छा लगा तुम्हें और मूवी अच्छा लगेगा। बट ये जो मूवी है या फिर जो भी चीज़ है, ये सब क्या है, ये सब माया है, ये जगत में ये सब माया है, ये सब तो रियल नहीं है। क्या मूवी वो रियल है? वो तो एक काल्पनिक है ना, तो वो रियल नहीं है। इसी का चीज़ है कि हम माया से घिरे हुए हैं। माया मतलब हर किसी चीज़ में माया है। सपोज तुम्हें कुछ अच्छा खाना खाना है, आइसक्रीम खाना है, तुमने एक फ्लेवर ट्राई कर लिया, नेक्स्ट दिन तुम क्या करोगे, दूसरा फ्लेवर ट्राई करने के लिए जाओगे कि हाँ ठीक है मैंने एक फ्लेवर खा लिया तो अभी दूसरा फ्लेवर खाऊंगा। तो तुम उस चीज से क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो ना। इसलिए कहा गया कि अपने आत्मा को कृष्ण भावनामृत में लगाने के लिए, भगवान के कार्य में लगाने के लिए, तो हमारा आत्मा शुद्ध होगा, अदरवाइज ये माया के चक्कर में फंसा रहेगा। माया के सत्संग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारा आत्मा इन माया भरी चीजों में मतलब उलझा रहता है, तो वो उन चीजों का गुण वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज तुम दोस्त के साथ बाहर गए, ठीक है, तुम्हारा दोस्त अभी सिगरेट पी रहा है, सपोज बोल रहा, ठीक है, सिगरेट पी रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो क्वालिटी है, तुम नहीं पीते बट तुम्हारा दोस्त पीता है, बट उसका जो क्वालिटी है, अगर तुम रोज लगातार अपने दोस्त के साथ बाहर गए, तुम नहीं पीते वो पी रहा है, धीरे धीरे होगा एक दिन तुम्हें भी वो आदत लग जाएगी, क्योंकि वो गुण तुम में आ जाएगा। वैसे ही ये तो खराब गुण हुआ ना, बुरा चीज हुआ, बट अगर तुम अच्छी चीजें करोगे, लाइक तुम मंदिर जाना शुरू किए, रोज सुबह मंदिर जाना शुरू किए, एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये तुम्हारा आदत बन जाएगा कि तुम रोज मंदिर जाने लगोगे, रोज पूजा करने लगोगे, रोज भगवान को याद करोगे। तो वही है कि जिस चीज में हम ज्यादा समय बिताते हैं या फिर रोज रोज करते हैं, वो चीज हमारा हैबिट में आ जाता है। जैसे कि तुम रोज सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए, तो तुम तो हर रोज ही जाते हो, क्यों, क्योंकि तुम मतलब प्रैक्टिस हो गया तुम्हारा कि हाँ अभी सुबह के 9 बज गए, अभी मुझे स्कूल जाना है, तो तुम्हारा एक हैबिट में वो आ गया ना। तो उसी तरह जब हम अच्छा काम करते हैं रोज रोज, तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है, वो हम करने लगते हैं, अगर कोई ना बोले तो भी हम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं वैसे। तो उसके बाद माया के सत्संग में अगर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेते हैं, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखना जाए। तो हम तो किताब में बहुत सारे चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, बट हमें शास्त्र स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना चाहिए, क्यों, जो स्क्रिप्चर्स है वो हजारों हजारों साल पुरानी है। बुक तो अभी लाइक 20 साल पहले ये बुक आई है या फिर 2 साल पहले ये बुक आई है, बट जो शास्त्र है स्क्रिप्चर्स है वो हजारों सालों पहले किसी ने लिखा था, बड़े बड़े आचार्य ने, महर्षियों ने, उन्होंने लिखा था, उन्होंने जो लिखा था वो मतलब उनका जो भाव था वो सतगुण था, वो जो लिखे थे वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखे थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस आदत को अपनाना चाहिए, भगवान के बारे में बहुत कुछ रहता है, वो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारा आत्मा बहुत शुद्ध होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो आत्मा अगर हमारा आत्मा अगर कृष्ण भावनामृत में कर्म करेगा, तो वो उस कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म करेगा, लाइक खाना बना रहा है, खाना बनाने के बाद वो पहले भगवान को ऑफर करता है, उसके बाद वो खुद खाता है, ठीक है, या फिर कोई भी काम में जाता है तो भगवान को पहले याद करता है कि भगवान आपकी वजह से मुझे ये काम मिला, मैं ये करने जा रहा हूँ, तो हर किसी काम में वो भगवान को पहले ऑफर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी काम कर्म होगा वो कल्याणप्रद होगा, हम कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, हमारा हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है, तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है, कैसे,
यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, ठीक है, अगर कोई कृष्ण भावनामृत में एम्ब्रेस हो जाता है तो भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्म को ना करे, अगर कोई कृष्ण भावनामृत में एम्ब्रेस हो गया है और वो सपोज शास्त्र में जो भी लिखा है वो कुछ कुछ कार्य करने में असमर्थ रहा है, या फिर कुछ का शास्त्रों में जो भी है वो सब वो नहीं कर पा रहा है, या फिर अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वो पतित भी हो जाए तो इसमें कोई हानि या बुराई नहीं है। तो अगर वो सपोज ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा है पर वो बहुत कृष्ण भावनामृत में अंगीकार है, फिर अगर ऐसा हो तो भी मतलब उसमें कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में अंगीकार है। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में अंगीकार हो, एम्ब्रेस हो, और आप कुछ शास्त्र की मतलब बातें नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ ऐसे मतलब आपका पतित हो जाता है, फिर भी आप में कुछ बुराई नहीं होगा। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो इसका ऑपोजिट क्या बोला, अगर आप शास्त्र की बातें सब करो, शास्त्र में जो लिखा है वो मैं सब कर रहा हूँ बट मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं हूँ, तो ये गलत है। तो आप कृष्ण भावनामृत में हो जाओ, शास्त्र की थोड़ी बहुत बातें आपको समझ नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, वो ठीक है, बट आप शास्त्र बहुत जान लिए बट कृष्ण भावनामृत ही नहीं हुए, तो इसमें कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है आपका। तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के, तो अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो बट कृष्ण भावनामृत में ही नहीं हो तो ये आपका किस लाभ का, कोई भी लाभ नहीं है आपका इसमें, ठीक है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत के उस स्तर तक पहुंचने के लिए, जैसे हम जन्म के बाद ही मैट्रिक HSLC का एग्जाम नहीं देते थे, एक स्टेप होता है Class 1, Class 2, Class 3 ऐसे एक स्टेप होता है, वैसे ही कृष्ण भावनामृत की उस स्तर तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपकी शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है। तो इसीलिए शुद्धिकरण पद्धति करनी होगी, या फिर जो संन्यास हम देखते हैं, कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, संन्यास का मतलब क्या होता है, वो भगवान को खुद को मतलब भगवान को सरेंडर कर लेते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं, ठीक है। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए संन्यास या फिर शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो चरम लक्ष्य है उस स्तर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो उस चीज के बिना ये सब कुछ व्यर्थ है। तो अगर हमें कृष्ण भावनामृत होना है, अगर हमें कृष्ण दास बनना है, कृष्ण का प्रेमी बनना है कि हमें कृष्ण को पाना है, तो उस भाव के लिए हमारा जो आत्मा है उसको शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। जब अगर आत्मा शुद्ध नहीं है, माया में उलझा हुआ है, तो वो कैसे भक्ति करेगा, ठीक है ना। तो इस श्लोक में हमने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट वी विल रीड 6 नंबर श्लोक, ठीक है। अभी जोर से बोलो हरे कृष्णा।